حضرت کمیل صاحب امام علی علیہ السلام जलील क़द्र साहबी गुजरे हैं, जो इनके बारे में खुद मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुद मौला अली अलैहिस्सलाम ने आपको दुआए कुमैल सिखाई थी, जिसकी तालीम आपको दी थी। दुआए कुमैल वो दुआ है कि जिसमें इमाम ने फरमाया, ला यमकिन फिरारों में हुकूमत, यानी मौला मार्फत की जुमला इरशाद फरमा रहे हैं कि पालने वाले कोई भी फ़र्द तेरी हुकूमत से फरार इख्तियार नहीं कर सकता। तो अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, खुद मौला ने फरमाया है कि अगर इंसान को गुनाह करना है तो या तो वो खुदा वंद आलम का माल खाना छोड़ दे तब जाके गुनाह करे, या वो जहन्नुम से फरार इख्तियार करने कुदरत रखता हो तब जाके गुनाह करे, या मलकुल मौत उस तक नहीं पहुँच सकता हो तब जाके गुनाह करे। लेकिन अगर इन तीनों चीज़ों से इंसान के इख्तियार और कुदरत में नहीं है फरार इख्तियार करना, तो उसका कोई हक नहीं बनता कि वो गुनाह करे। और ख़ुद मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पालने वाले कितनी बुराइयां ऐसी हैं कि जो तुमने छुपा रखी हैं, और कितनी अच्छाइयां ऐसी हैं मेरी कि जो तुमने नश्र की हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, खुद अभी हम बाहर से जैसे आ रहे थे तो मौला ने एक जुमला जो आपने कुमैल को नज़र किया, मौला ने फरमाया कि कुमैल इल्म और माल में ये फ़र्क है कि इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है और तुम माल की हिफाजत करते हो। और फिर मशहूर मारूफ जुमला है मौला का कि रजीना किस्मतुल जब्बार फीना लना इल्मुन वलिल जुहाल मालूम, कि हम अल्लाह की तकसीम पर खुश हैं कि जिसने हमारे लिए इल्म को रखा है और जुहला के लिए माल को रखा है। इल्म हमेशा बाकी रहने वाला है और माल अनकरीब फना होने वाला है। तो आज यहाँ पर बरादरान जो कुएं से पहुँचे हुए हैं, माशाल्लाह से अली मेहदी भाई हैं और हमारे मीसम भाई हैं, मौलाना भाई हमारे जावेद भाई हैं और जनाब असद भाई हैं और जनाब एहतशाम भाई हैं, हम सब मिलकर यहाँ पर जनाब कुमैल अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए आए हैं, ताकि हम भी जनाब कुमैल की तरह मौला मुत्तकियान के चाहने वालों में और इमाम की मार्फत रखने वालों में शुमार। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।